ये है लोन्स फ्रॉम कॉरपोरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ होती हैं गाँव में किसानों की बनाई हुई, वहाँ से लोन जो मिलते हैं उसके बारे में यहाँ बताया है। बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर कोऑपरेटिव। तो वहाँ पर जो सब सस्ते जो लोन गाँव में जो होते हैं वहाँ पर रूरल एरिया में मिलते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा मिलते हैं। उसके जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो आपस में मिलके रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एक बैंक बनाते हैं और फिर उसको दूसरे बड़े बैंक के साथ जोड़ दिया जाता है। वहाँ से देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल, सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव एट्सेट्रा। तो वहाँ पर किसानों के और कारखाने वालों के, दूध वालों के और चूल्हे जो होते हैं कामगार होते हैं, वो आपस में मिलके एक कृषक कोऑपरेटिव या ऐसे बनाते हैं गांव में। वहां पर एक सोनपुर में एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कम से कम 2300 फार्मर जो हैं उसके मेंबर हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो जो मेंबर जिनके पास पैसे होते हैं वो इसमें बैंक के तौर पर वहाँ पर पैसे जमा कराते हैं। विद दीज डिपॉजिट्स एज अ कोलेटरल, तो इस डिपॉजिट के एवज में द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड ए लार्ज लोन फ्रॉम बैंक। तो ये पैसे जमा करके दिखा के बैंक को जमानत के तौर पर दिखाकर वो बैंक से बहुत लोन, बड़ा लोन ले सकते हैं। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स, इससे सदस्यों को कर्जा मिल सकता है। वंस दीज लोन्स आर रीपेड, जब ये जो कर्जे वापस कर दिए जाते हैं तो अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस, उसके बाद दोबारा लोन लिया जा सकता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, वहाँ से हल पंजाली दूसरा सामान खरीद सकते हैं और लोन से कल्टीवेशन के दौरान पे एग्रीकल्चर ट्रेड फिशरी लोन्स और लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज भी ले सकते हैं और वैरायटी ऑफ दूसरे कामों के साथ भी ले सकते हैं।